नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव और मैं हूं आपके साथ टीकम शर्मा। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। त्रिपुरा दौरे पर रवाना हुए तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, इस बार वह मुख्य रूप से हिंसा प्रभावित कार्यकर्ताओं से घर जाकर मुलाकात करेंगे। NRS की लिफ्ट में 4 दिनों तक फंसी रही बुजुर्ग महिला। बंगाल में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हुई। नए साल के पहले दिन लॉरी की चपेट में आकर एक की मौत। महानगर कोलकाता में जारी है कोरोना का प्रकोप। बीते 24 घंटों में सामने आया 2398 नए मामले। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष, बोले जब रोक लगानी थी तब नहीं लगाई, अब आंशिक लॉकडाउन लगा रही है ममता सरकार। राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4512 नए मामले सामने आए, वहीं 9 लोगों ने गंवाई जान। राज्य सचिवालय नवन्ना आज जारी कर सकता है कोरोना की नई गाइडलाइन। उज्जैन में गुब्बारे में गैस भरने के दौरान ब्लास्ट, 3 बच्चे समेत 5 घायल। राजधानी दिल्ली में कोविड नियम तोड़ने पर साल के पहले दिन लगा 99.34 लाख रुपए का जुर्माना। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोना मिलने के मामले पर DRI करेगी पूछताछ। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए, वहीं 284 लोगों की मौत हो गई। सामने आई ड्रग्स मामले में फरार अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की पहली तस्वीर। NEET PG दाखिले के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में 185 छात्र पाए गए कोरोना संक्रमित। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल की आज रोजगार गारंटी रैली, जनता को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। आज खास डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देश भर में ओमिक्रॉन की मामलों की संख्या बढ़कर 1525 पहुंची। 10 लाख से ज्यादा कोरोना मामलों वाला 6ठा देश बना फ्रांस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।